बिलवाड़ा शहर की संजय कॉलोनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है, जिसके बाद उसका पूरा परिवार डरा हुआ है। इंजीनियर 3 दिन पहले ही उसके पिता की तबीयत खराब होने के चलते पुणे से बिलवाड़ा आया था। गुरुवार को धमकी भरा एक पत्र उसके घर के बाहर बालकनी में मिला, जिसमें उसे धर्म बदलने पर दबाव देने की बात लिखी है, साथ ही बात नहीं मानने पर सिर तन से जुदा करने की बात लिखी है। इस पत्र को लेकर इंजीनियर ने सुभाष नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुभाष नगर थाना प्रभारी नंदलाल लड़वा ने बताया कि शहर के विद्युत नगर निवासी विजय अग्रवाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया कि वह पुणे में एक बैंक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 4 दिन पहले ही उसे पिता पूरण चंद की तबीयत खराब होने के कारण वह भिलवाड़ा आया था। गुरुवार दोपहर को उसके घर के बाहर की तरफ बनी बालकनी में एक लेटर मिला, जिसमें अपना व अपने बच्चों को धर्म बदलवाने के लिए लिखा हुआ है। साथ ही लेटर में यह भी लिखा हुआ है कि अगर विजय बात नहीं मानता है तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और घर में यह लेटर किसने डाला इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। विजय नाम का व्यक्ति है जो सुभाष नगर थाना सर्किल में रहता है। उसने कल थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि मुझे मेरे घर के पोर्च में एक पत्र मिला, जिसमें धमकी दी गई कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, आपको पैसे दिए जाएंगे, प्रलोभन दिया गया, धर्म परिवर्तन नहीं करने पर सरकलम करने की धमकी दी गई, जिस पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है उसको तुरंत ही गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। उसको हमारे द्वारा गार्ड उपलब्ध करा दी गई है और वो हम निरंतर सुरक्षा घेरे में है।